अस्सलामुअलैकुम। आज हम एग फ्राइड राइस बना रहे हैं। एग फ्राइड राइस के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? मैंने दो जो कप हैं चावल बॉईल करके तो उसको रख दिए हैं और ये तकरीबन ठंडे हो गए हैं। अगर आप फ्राइड राइस के लिए ज़रा ठंडे चावल इस्तेमाल करेंगे तो आपके चावल हमेशा खिले खिले रहेंगे। चावल बॉईल करते हुए मैंने उसमें एक टेबल स्पून ऑयल और दो टी स्पून नमक डालकर बॉईल किया था, और इसको बहुत ज़्यादा आपने बॉयल नहीं करना तो, लेकिन आपने इसको फुल डन करना है। इसके अलावा दो अंडे चाहिए होंगे जिसको हम स्क्रैम्बल करेंगे, और इसमें एक चुटकी फूड कलर या आप हल्दी डाल सकते हैं। नमक चाहिए होगा हमें एक टीस्पून, काली मिर्च चाहिए होगी एक टेबलस्पून, सिरका चाहिए होगा एक टेबलस्पून, सोया सॉस चाहिए होगा एक टेबलस्पून, और चाइनीज़ सॉल्ट चाहिए होगा 1 टीस्पून। और सब्जियों में मैंने एक गाजर को बारीक बारीक काट लिया है, हरी प्याज 4 हरी प्याज लेकर उसके मैंने ग्रीन वाला पार्ट है, और उन्हीं 4 हरी प्याज का ये वाइट वाला पार्ट है, और ये बीन्स स्प्राउट है। अगर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी वेजिटेबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिसमें कैप्सिकम है या फिर आप कैबेज कोई भी इस तरह जो आपको पसंद हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्क्रैम्बल एग बना लेते हैं। तो स्क्रैम्बल एग बनाने के लिए मैंने अंडे में एक चुटकी नमक और एक चुटकी फूड कलर डालकर तो इसको अच्छे तरीके से फेंट लिया है। तो मैं अब इसे एक टेबलस्पून ऑयल लेकर तो उसमें इसको स्क्रैम्बल करूँगी, और इसमें हम बटर और राइस बनाने के लिए हम बटर और ऑयल हाफ हाफ इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो बिल्कुल आप इसको ऑयल में या फिर बटर में भी बना सकते हैं। स्क्रैम्बल एग बना लेते हैं। मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल गरम किया है और इसमें अंडे डाल देंगे। तो दो तरह से बन सकता है, एक तो आप अंडे को इस तरह पका के स्टेप्स में काट सकते हैं, या फिर इस स्टेज पे अभी ये सही तौर पे नहीं पका तो आप इसको मिक्स कर दें। मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है, हमारा स्क्रैम्बल एग जो है वह तैयार है। प्लेट इसको निकाल लेंगे। कढ़ाई में मैंने 1/4 जो कप है वो ऑयल और बटर मिक्स करके मैंने ले लिया है। हाफ मैंने बटर ले लिया, हाफ ऑयल, इसको मैंने हीट कर लिया है। और अब मैं सबसे इसमें पहले गाजर डाल दूंगी। जो वेजिटेबल थोड़ी सी सख्त हो वो आप पहले ऐड कर देंगे। गाजर को थोड़ा सॉफ्ट करना है। 1 मिनट गाजर को करने के बाद मैं अब इसमें ग्रीन जो अनियन है इसका वाइट पार्ट जो है वो शामिल कर दूँगी। अब मैं इसमें बीन्स स्प्राउटेड बीन्स डाल दूँगी, मिक्स करके 1 मिनट पका लूँगी। आपने सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, थोड़ा क्रंची रहें तो अच्छी लगती हैं। ग्रीन अनियन भी इसमें मैं डाल दूँगी। अब मैं इसमें स्पाइसेस शामिल कर दूंगी, काली मिर्च, नमक, चाइनीज सॉल्ट अजीनोमोटो, सिरका और सोया सॉस। तो स्पाइसेस आप अपने हिसाब से आपको जितने पसंद हो तो आप ऐड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को मिक्स करूंगी। मैंने फ्लेम हाई ही रखा था, हाई फ्लेम पे ये सब्जियों को मैंने फ्राई कर लिया है, और अब इसमें चावल भी शामिल कर दूंगी। चावल शामिल करके मिक्स कर दूंगी, और अब मैंने इसकी आंच बिल्कुल धीमी रख दी है, कर दी है, और धीमी आंच पे इसको कुछ 1-2 मिनट दम देना है। हमने सारा सब कुछ मिक्स हो जाएगा तो मैं आखिर में इसमें जो अंडा है वो मिक्स करूँगी। इस मौके पर आप मिक्स करते हुए स्पाइसेस चेक कर सकते हैं। चावल मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें अंडा भी शामिल कर दूंगी, इसे भी मिक्स कर दूंगी, और अब इसे 5 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी ताकि सारे स्पाइसेस जो हैं वो भी अंदर चावलों के अंदर मिक्स हो जाएं, और जो चावलों में जो थोड़ी बहुत कसर है वो भी निकल जाए। 5 मिनट दम के साथ ये बिल्कुल अच्छे परफेक्ट तैयार हो जाएंगे। तो हमारे बहुत ही मज़े के एग फ्राइड राइस तैयार हैं, जो कि बनाने बहुत ही आसान हैं।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।